बीते दिन ठेला स्वामी द्वारा काशीपुर कोतवाली पहुंचने वाले मामले में सभी ठेला स्वामी समाज सेवी गगन काम्बोज की अगुवाई में आज काशीपुर नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय से वार्ता कर ठेला स्वामियों को ठेला लगाने के लिए एक जगह निश्चित करने की मांग की। इस दौरान चर्चा में क्या मुद्दे उठाए गए और क्या निष्कर्ष निकला, आइए जानते हैं सुरागलाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट में। ठेला व्यापारियों का ये कहना है कि साहब जो है हमें बार बार जो है स्थानों से हटाया जाता है, हमारा सामान खराब होता है, जो हम कच्चे सामान बना लेते हैं वो जो है बर्बाद होता है। और ऐसा भी वो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस के कांस्टेबल जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज की बात कर रहे थे। तो हमने आश्वस्त किया है कि नहीं, हमारे जो पुलिस है वो हमारी जनता के सहयोग के लिए, और ऐसा व्यवहार जो कदाचित कहीं किसी एक व्यक्ति ने कर दिया हो ऐसा व्यवहार होता नहीं है, और इसमें चर्चा कर ली जाएगी उच्च अधिकारियों से कि अनावश्यक क्यों परेशान करेंगे। लेकिन इस पूरे ठेला से जो लोग आए थे उनको ये भी अवगत कराया गया है कि जो हमारा नियम है, कानून है, उसको हमको मानना होगा। वेंडर एक कमेटी है, वेंडर कमेटी ने तय किया है कि हमारा दो रोड जो एक आपका नगर निगम के सामने से जाता है, एक रतन सिनेमा रोड, ये दोनों रोड जो है नो वेंडर जोन घोषित किए गए। इसके लिए कॉम्पिटेंट कमेटी होती है वेंडर, उसने तय किया है, विधेयक वार्ता करके उसके सदस्यों के मध्य एक बैठक करके तय किया गया है, जिसका उनको पालन करना होगा। साथ ही ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दो इन दोनों रोडों का अतिक्रमण के संबंध में एक PIL में आदेश किए हैं, उस आदेश का भी जो है हमें पूर्णतः पालन करना है, उस आदेश का सम्मान करना है। चलायमान होकर के कहीं भी कोई भी ठेला जो है व्यापार करता है, ये ध्यान देते हुए कि आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो तो उनके व्यापार में कोई बाधा नहीं उत्पन्न की जाएगी। एक और उनके द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा है कि जो हमारा ओवरब्रिज है उसके नीचे उनको व्यापार करने की अनुमति दी जाए। उनको ये अवगत कराया गया है कि ओवरब्रिज के नीचे व्यापार करने के लिए जो ओवरब्रिज की संस्था है जिसने बनाया है NHPWD हल्द्वानी, उससे और प्रशासन जो हमारे यहाँ का लोकल प्रशासन है जिसमें SDM साहब हैं, पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, सभी के मध्य एक सहमत बना करके जो इस नगर के हित में होगा वही निर्णय लिया जाना चाहिए। ये एक व्यक्ति के बस का निर्णय नहीं है, और जो जनहित में है वही निर्णय होगा। तो साथ ही व्यापारियों को आश्वस्त किया गया है कि वो व्यापार करें, उनको व्यापार करने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, वो छोटे व्यापार हैं, उनका कच्चा व्यापार है, इसको संरक्षण दिया जाएगा। और लेकिन हमने ये अनुरोध किया है कि ऐसा काम ही ना करें कि उनको रोकना, टोकना या हटने के लिए कहना पड़े, ये अगर वो ध्यान रखेंगे तो ये समस्या है। कल ये घटना काशीपुर शहर में घटी थी, सभी जितने ठेला व्यापारी जितने पीड़ित लोग हैं उनके फोन आए और उन्होंने अवगत कराया था कि ये स्थिति है। पूर्व में भी कुछ दिन पहले भी उनके साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार किया गया था, उसी के संबंध में आज नगर आयुक्त महोदय के पास सभी ठेला व्यापारी गए थे और वहां बैठकर उनसे बहुत ही अच्छे उसमें वार्ता की गई है, और नगर आयुक्त महोदय द्वारा पूर्ण विश्वास दिलाया गया कि इस जो भी कृत्य घटा है उसकी पुनरावृत्ति शहर के काशीपुर के अंदर पुनः नहीं होगी। और उनसे महोदय से निवेदन भी किया है कि नगर निगम के ही ये परिवार का हिस्सा है, जितना ये ठेला व्यापारी है जितना है ये सबके लाइसेंस हैं और सभी रोजाना की अपना जो तय बाजारी शुल्क है वो देते हैं, तो उनको संरक्षण देने का काम भी नगर निगम का ही है। तो उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया है कि भविष्य में जो इनके साथ कृत्य हुआ है वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मान सम्मान से रहने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, किसी भी अधिकारी को, किसी भी विभाग के अधिकारी को, किसी के मान सम्मान से खिलवाड़ करने की का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आगे भविष्य में किसी भी ठेला व्यापारी के, किसी भी गरीब व्यक्ति के जो अपना रोज की दिनचर्या करके अपना परिवार पालता है उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य अगर इस काशीपुर में हुआ तो सभी जितने ठेला व्यापारी हैं और जितने इनके परिवार हैं उनके साथ नगर निगम में बैठने के लिए बाध्य रहूंगा।